हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्लास के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के विन्यासों का निर्धारण करने की कुछ विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो समपक्ष विन्यास वाला होगा या विपक्ष, यानी कि सिस और ट्रांस, कौन सा विन्यास उसका है इसे ज्ञात करने के लिए कुछ विधियाँ काम में ली जाती हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है इसमें साइक्लाइजेशन मेथड या चक्रीकरण विधि। संपर्श जो समावयवी हैं सिस आइसोमर्स, उनमें क्रियात्मक समूह फंक्शनल समूह जो है एक ही तरफ होने के कारण उनकी अंतर क्रिया के द्वारा शीघ्रता से साइक्लाइजेशन हो जाता है, किंतु विपक्ष रूपों में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए इसमें एक एग्जाम्पल है मैलेइक अम्ल का, जैसे अपन ने पहले भी इसको पढ़ा था मैलेइक एसिड। इसमें जो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं कार्बोक्सिलिक समूह दो, ये दोनों एक ही साइड में हैं, इसलिए कौन सी समावयवता है, संपर्श समावयवी है ये। इस संपर्श समावयवी को जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, गर्म करते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के निष्कासन के साथ में क्या बन जाता है, मैलेट एनहाइड्राइड, यानी कि इसका क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है। लेकिन इसका जो ट्रांस रूप है फ्यूमैलिक एसिड, जिसमें कि दोनों कार्बोक्सिलिक समूह जो हैं डिफरेंट साइड में हैं, विपरीत दिशा में हैं, ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर साइक्लाइजेशन शो नहीं करते। लेकिन जब इसको और अधिक गर्म किया जाता है, जैसे 275 डिग्री सेंटीग्रेड, 275 डिग्री तक इसको अगर गर्म किया जाए, तो इसका जो पाई बंध है, डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है, ये वीट होकर के और अणु का घूर्णन कर देता है। घूर्णन करने पर दोनों समूह एक ही साइड में आ जाते हैं और उसके बाद में इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होकर के इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है और मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यौगिक इजीली साइक्लाइजेशन की अभिक्रिया दे रहा है तो वो तो कौन सा समावयवी है, सिस, और जिसमें टेम्परेचर अधिक देना पड़े या जिससे साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हो, वो ट्रांस समावयवी होता है। सेकेंड जो इसमें मेथड डिटर्मिनेशन का जो मेथड है, दैट इज डाइपोल मोमेंट मेथड, द्विध्रुव आघूर्ण विधि। सामान्यतः जो संपर्श रूप हैं वो डाइपोल मोमेंट वाले होते हैं, जबकि जो विपक्ष रूपों का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो समूह है वो विपरीत दिशा में होने के कारण से उनके डाइपोल मोमेंट जो हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, इसमें दोनों क्लोरीन समूह जो हैं एक ही साइड में हैं, तो इसके म्यू का मान, डाइपोल मोमेंट का मान है 1.85 डीबाई, जबकि इसका जो ट्रांस रूप है जिसमें दोनों समूह विपरीत दिशा में हैं, वहाँ पर इसके डाइपोल मोमेंट का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक और एग्जाम्पल है सिस टू ब्यूटीन, जिसमें दोनों मैथिल समूह जो कि पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं एक ही साइड में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर म्यू का मान है 0.4 डीबाई, जबकि इसका जो ट्रांस रूप है उसके म्यू का मान है शून्य। तो जिनके डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू, अगर आपको दो रूप दिए हुए हैं तो जिनके डाइपोल मोमेंट्स का मान कम आता है तो वो ट्रांस समावयवी है। जहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अधिक आती है वो जो रूप है वो सिस आइसोमर होगा। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट्स को देख करके भी हम किसी समावयवी के सिस और ट्रांस होने का पता लगा सकते हैं। थर्ड जो मेथड है इसके अंदर, इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल है कि यदि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे हों जिनमें दोनों कार्बन परमाणुओं पर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले समूह जुड़े हों, तो संपर्श रूप का डाइपोल मोमेंट जो है ट्रांस की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि इस परिस्थिति में विपक्ष रूप में तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जुड़ जाएगा जबकि संपर्श रूप में वो उदासीन हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है 1 क्लोरोप्रोपीन में CH3 का प्लस आई प्रभाव है और क्लोरीन का क्या है, माइनस आई प्रभाव है, तो इनके म्यू का मान कितना है, 1.71 डीबाई, जबकि इसके ट्रांस रूप में
दोनों प्रभाव आपस में जुड़ जाते हैं और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1.97 डी बाय। थर्ड मेथड है, इसमें गलनांक और क्वथनांक के द्वारा भी एक आइडिया हो जाता है कि ये आइसोमर ट्रांस होगा या सिस होगा। जैसे संपर्क जितने भी समावयवी हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विपक्ष समावयवियों की अपेक्षा कम होता है। इसका जो रीज़न है, इसका कारण है, विपक्ष समावयवियों के अंदर अंतराणु वांडरवाल बल जो हैं संपर्क समावयवियों की अपेक्षा अधिक होते हैं। जैसे मैलाइट अम्ल है जो कि सिस फॉर्म में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 130 डिग्री। फेमारिक अम्ल ट्रांस रूप है 287। सिनेमिक एसिड सिस फॉर्म है 68 डिग्री सेंटीग्रेड। सिनेमिक एलो सिनेमिक एसिड सिस फॉर्म है और सिनेमिक एसिड ट्रांस फॉर्म है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 133। तो अगर दो आइसोमर्स में जिसका गलनांक उतना अधिक आता है तो वो ट्रांस रूप है, कम आता है तो वो सिस रूप है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह दोनों कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हों तो वांडरवाल बल संपक्ष रूप का अधिक हो जाएगा। अतः ऐसी स्थितियों में संपक्ष रूपों के जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो विपक्ष रूपों से अधिक होते हैं। जैसे आइसोक्रोटोनिक एसिड, इसमें एक और कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है जिसका कि माइनस आई प्रभाव है और दूसरी ओर मैथिल समूह लगा है जिसका कि प्लस आई प्रभाव है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू आती है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसके ट्रांस रूप में इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके विपरीत फोर्थ जो मेथड है, कुछ आधुनिक विधियां हैं जिनके द्वारा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि के द्वारा भी हम जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा कि इसका पता लगाया जाता है, जैसे एक एग्जांपल अपन इसमें लेते हैं। ज्यामितीय समावयवियों में विभेद करने के लिए IR, NMR और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके स्पेक्ट्रम के अध्ययन के द्वारा आसानी से संभव है। पराबैंगनी क्षेत्र में अल्ट्रावायलेट रीजन में जो विपक्ष समावयवी हैं उनके लिए लैम्डा मैक्स का मान संपर्क समावयवी से उच्च होता है। जैसे सिनेमिक एसिड है सिस फॉर्म में है तो इसके लैम्डा मैक्स का मान आता है 278 माइक्रोम्यू, जबकि इसके ट्रांसफॉर्म का लेमडा मैट्स का मान आता है 294 माइक्रोन। तो IR की सहायता से भी इसमें विभेद किया जा सकता है। NMR की सहायता से जो कपलिंग कांस्टेंट है उनके नाम मानों के आधार पर भी संपर्क और विपक्ष समावयवियों में अंतर किया जा सकता है। जैसे विपक्ष स्टिल बीन है उसके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है 15.8 हर्ट्ज, जबकि संपर्क स्टिल बीन के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है 12.3 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा कोई समावयवी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत वो संपर्क होगा या विपक्ष होगा इसका हम पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स अपन ने पढ़े, एक तो इसमें साइक्लाइजेशन विधि है, दूसरा इसके अंदर जो है डाइपोल मोमेंट वैल्यू है जिसके आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं, तीसरा इसके अंदर है गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर पता लगाया जा सकता है, और फिर इसके बाद में लास्ट है कुछ रीसेंट टेक्निक्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की जिसके अंतर्गत एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा या IR, NMR और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उनके लेमडा मैट्स के मान देख करके और उनकी कपलिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू देख करके हम किसी
आइसोमर के शीर्ष या ट्रांस होने का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।